मैम ततीर आ चुकी हैं फॉर द पाकिस्तान स्टडीज एंड पाकिस्तान अफेयर। अस्सलाम वालेकुम मैम, आर यू देयर? वालेकुम अस्सलाम। जी, मैम आप कंटिन्यू कर सकते हैं। कैन वी हाँ जी, चलें, कोई बात नहीं, मैं करती हूँ कंटिन्यू। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सबका? सबसे पहले मुझे ये बताएं कि एम आई ऑडिबल? जी, नईमा बच्चे, आप यहाँ पे कैसी हैं आप? काइंडली प्लीज मुझे चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स करें कि सबको आवाज आ रही है मेरी के नहीं आ रही। जी मैम, यू आर ऑडिबल। ठीक हो गया, जरा मैं बच्चों को जगा लूं, जरा मैं बच्चों को उठा लूं ना, जरा रिप्लाई करें मुझे, जरा जगा लूं इनको कि क्लास में उठ जाएं। क्लास है, रेस्ट नहीं करना। यस वालेकुम मैम, हम सलाम जाग दोनों। रहे हैं। ठीक हो गया, क्या हाल चाल है? सबसे पहले तो मुझे हाल चाल बताएं ना, कैसे हैं आप सब? तैयारी का सुनाएं, तैयारी कैसी चल रही है? तैयारी स्टार्ट कर दी। चलें, कोई नहीं, कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने 2024 के लिए जाना है, कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो 2023 के लिए जा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वालेकुम सलाम। जी, नूर जी, काफी सारे ऐसे चेहरे हैं जो पहले ऑलरेडी मेरे से पढ़ चुके हैं। बाकी सुनाएं, क्या हाल चाल है आप सबका? अच्छा, मेरे साथ जो आप लोगों की क्लासेस होंगी ना, मेरे साथ आप लोगों की पाकिस्तान अफेयर्स की क्लासेस होंगी। पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स के जो टॉपिक होंगे ना, वो हम लोग मिक्स करके स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो इसमें ये है कि थोड़ी सी आज हम लोग ना पाकिस्तान अफेयर्स को लेके ना स्ट्रेटेजी देख लेते हैं कि हम लोग पाकिस्तान अफेयर को कवर कहाँ से करेंगे, ठीक है? तो पहली बात मैं आप लोगों से बता दूं, कुछ अगर क्लासेस के रूल होंगे मेरे साथ, ठीक है? पहली बात ये है कि कोई बच्चा क्लास में सोएगा नहीं, सारे बच्चे एक्टिव होके बैठेंगे। जो बच्चा क्लास में सो गया, ठीक है, समझे कि अगली क्लास का जो लिंक है ना, उसको फॉरवर्ड किया जाएगा और वो मेरी जगह वो बच्चा लेक्चर देगा सारों को, ठीक है? तो पहला रूल ये है कि मेरी क्लास में किसी ने सोना नहीं। और पहली बात, आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान अफेयर्स है, हिस्ट्री आती है बीच में, बोरिंग है, ठीक है? लेकिन बोरिंग बनाकर आप लोगों ने इसको लेकर नहीं चलना, ठीक है? तो जरा जाग के जो है ना, आप लोगों ने पाकिस्तान अफेयर्स के लेक्चर लेने हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोगों का सब्जेक्ट आता है सीएसएस में, और ये आता भी आप लोगों का कंपलसरी है। तो जरा जो है ना, आंखें खोल के सुनने आप लोगों ने, पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि मेरे जो मोस्टली लेक्चर्स होते हैं ना, बच्चों को जो लेक्चर्स देती हूँ, हाफ लेक्चर मेरे स्लाइड्स के ऊपर चलते हैं, हाफ लेक्चर मेरे आप लोगों के साथ व्हाइट बोर्ड के ऊपर होंगे, ठीक है? हाफ लेक्चर स्लाइड्स के ऊपर और हाफ लेक्चर आप लोगों के व्हाइट बोर्ड के ऊपर होंगे, ठीक है? अब स्लाइड्स के अंदर आप लोगों के लिए मैं मटेरियल इतना रखूंगी, ठीक है, कि आप लोग, चाहे कोई बच्चा सीएसएस के लिए जा रहा है या आप लोग स्पेशली पीएमएस के लिए अगर अपियर हो रहे हैं, ठीक है, तो आप लोगों के लिए वो मटेरियल इनफ होगा। बाकी वो नोट्स वगैरह आप लोगों को, आप लोगों की असाइनमेंट चेकिंग वगैरह वो सारी हो जाएगी। एक चीज याद रखिए, क्योंकि मोस्टली इस तरह होता है कि जो बच्चा पीएमएस के लिए जा रहा हो ना, वो अगले साल सीएसएस के लिए जाता है। अब हमारा जो सेशन है वो स्पेशली पीएमएस का है। अब आप, जाहिर बात है, आप सब बच्चों ने पास पेपर्स चेक किए होंगे, सिलेबस सबने चेक किया होगा, ठीक है, मोस्टली सारे स्टूडेंट्स को पता भी होगा। अब आप लोगों के पीएमएस के अंदर जो ज्यादातर सवाल पूछे जाते हैं ना, वो हिस्ट्री पोर्शन से पूछता है, ठीक है? आप लोगों के हिस्ट्री पोर्शन से सवाल आते हैं और कुछ एमसीक्यूज आते हैं। एमसीक्यूज भी आप लोगों के इस तरह आते हैं, आप लोगों के पेपर के अंदर ही फिलिंग दी ब्लैंक्स दी जाती हैं, ठीक है? और उन फिलिंग दी ब्लैंक्स में जो ज्यादातर आप लोगों के कहने के ब्लैंक्स आती हैं, वो आप लोगों की टोटली हिस्ट्री के ऊपर बेस होती है। भाई बता दें, दारुल उलूम देवबंद कब बना, उर्दू हिंदी कॉन्ट्रोवर्सी कब आया, ठीक है, पहली कॉन्स्टिट्यूएंट स्टार्ट करवाई, ठीक है? तो इस तरह के एमसीक्यूज वो पूछते हैं और आप लोगों के ये पेपर के अंदर होते हैं, ये सेपरेट नहीं होते, ठीक है? तो बाकी रिप्लाई करें, एकदम से आप लोग खामोश हो गए हैं, रिप्लाई करें या मैं अकेली बोलती जा रही हूँ? कुछ पूछें, जो चीज नहीं समझ में आएगी वो आप लोगों ने साथ साथ जो है ना क्वेश्चंस क्वेरीज करते जाएं आप लोग, ठीक है? ताकि मुझे ये पता चले कि अगर मैं आप लोगों के साथ बोल रही हूँ तो आप लोग सब सुन रहे हैं एक्टिव होके, ठीक है? जी, क्योंकि ये है कि अगर मैं आप लोगों के साथ बात कर रही तो आप लोग भी जो है ना सुन रहे हैं। चलें,
थोड़ी सी डिस्कशन कर लें फिर सिलेबस के हवाले से, क्या कहते हैं? सिलेबस के हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं हम लोग, ठीक है? कब स्टार्ट होगा पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल हिस्ट्री वाला पोर्शन कब स्टार्ट होगा? नूर बच्चे, मैं कंप्लीटली तैयारी स्टार्ट से करवाऊंगी, ठीक है? आप पाकिस्तान अफेयर्स की अगर हम लोग बात करते हैं ना, पाकिस्तान अफेयर्स की, तो एक चीज याद रखिएगा, मैं आप लोगों को स्टार्ट करवाऊंगी मोहम्मद बिन कासिम से, ठीक है? हम लोग स्टार्ट इस तरह करेंगे क्योंकि आप लोगों का टोटली जहां से सिलेबस आप लोगों का स्टार्ट हुआ है ना, हम लोग वहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो एग्जैक्टली 712 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, हम लोग डायरेक्टली चलेंगे 712 से मोहम्मद बिन। अब आप लोगों ने ना सीक्वेंस चेक करना है, हम लोग मोहम्मद बिन कासिम को पढ़ेंगे, मोहम्मद बिन कासिम के बाद हम लोग महमूद गजनवी को पढ़ेंगे, महमूद गजनवी के बाद हम लोग देखेंगे मोहम्मद गोरी को, मोहम्मद गोरी के बाद हम लोग डायरेक्ट देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत की बुनियाद किस तरह रखी गई, ठीक है? आप लोगों की दिल्ली सल्तनत, या आप लोग उसको हम लोग स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं, ठीक है? ये इनकी बुनियाद किस तरह रखी गई, हमारे स्लेव डायनेस्टी या आप लोगों के जो दिल्ली सल्तनत है उसके उसके अंदर पहले रूलर कौन से आते हैं, किसने बुनियाद रखी, बारी बारी हम लोग सारों को डिस्कस करते जाएंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक आगे, बीच में आपके अल्तमिश आगे, आगे आपकी रजिया सुल्ताना आगे, हर एक को बारी बारी डिस्कस करते जाएंगे। और जहां पे आप लोगों का आकर ये खत्म होगा, लोदी डायनेस्टी के ऊपर आके खत्म होगा, साथ ही आप लोगों का मेरे साथ मुगल एम्पायर का इरा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? कि किस तरह पानीपत की जंग हुई और मुगल एम्पायर का इरा, मुगल एम्पायर की बुनियाद किसने रखी, जहीरुद्दीन बाबर से स्टार्ट करेंगे, टोटली हम लोग सारे पढ़ते जाएंगे। जहीरुद्दीन बाबर आ गया, हुमायूं आ गया, अकबर आ गया, सबको पढ़ते पढ़ते हम लोग लास्ट के ऊपर आकर एनालिसिस करेंगे कि भाई इतने कुछ पढ़ने के बाद क्या चीज समझ में आई है आप लोगों को। ये आगे एनालिसिस मैं आपसे करवाऊंगी कि बताएं आप लोगों ने पूरी हिस्ट्री मेरे साथ पढ़ी है, मुझे ये बताएं कि भाई क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से मुगलों का जो एम्पायर है वो फॉल हुआ या गिरा, ठीक है? या आप ये भी कह सकते हैं डिक्लाइन की वजूहात क्यों, ठीक है? तो मोस्टली स्टूडेंट्स ये करते हैं कि पेपर के अंदर ना मोहम्मद बिन कासिम से जो है ना पीरियड जो स्टार्ट होता है ना वो स्किप कर जाते हैं और प्री पार्टीशन से स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी, ठीक है? गलती क्यों नहीं करनी, क्योंकि लास्ट टाइम अगर आप लोग सीएमएस केपीके का पेपर उठाकर देखें ना, तो उसमें आप लोग एक चीज ये देखें, उनका पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर आया था और पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर के अंदर उसने कोई प्री पार्टीशन से सवाल नहीं पूछा था, उसने डायरेक्टली पूछा बलबन कौन है, उसने बच्चों से पूछा जहीरुद्दीन बाबर कौन है, ठीक है? उसने पूछा महमूद गजनवी कौन है, हालांकि पाकिस्तान अफेयर का पेपर था। बच्चों ने वापिस आकर ये कहा, सारों की अक्सर मैं ग्रुप्स के अंदर, डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर बच्चों के कमेंट्स पढ़ रही होती हूँ कि उन्होंने आकर बच्चों ने ये कहा कि मैम उनमें से तो उन्होंने ये नहीं पूछा, ये नहीं बताया कि भाई प्री पार्टीशन का कोई सवाल नहीं है, ये नहीं है, ठीक है? तो इसलिए हम लोगों ने कोई भी चीज स्किप नहीं करनी, ठीक है? हर एक को बारी बारी पढ़ेंगे, हर रूलर को पढ़ेंगे, ठीक है? रुबीना बच्चे, पीएमएस का क्या मतलब है, ठीक है? पीएमएस का क्या मतलब है, ठीक है? क्लासेस हो रही हैं पीएमएस के पाकिस्तान अफेयर्स की, ठीक है? बात मैं पाकिस्तान अफेयर्स की कर रही हूँ और बीच में मेरे से पीएमएस का मतलब पूछा जा रहा है, पीएमएस का क्या मतलब है? आई थिंक सो रुमीना, एक्चुअली आपने लेट ज्वाइन किया, हम ओरिएंटेशन दे चुके हैं तो फर्स्ट पार्ट में। जी जी, आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा काइंडली, ठीक है? तो ये सारी चीजें हम लोग देखते जाएंगे, इसके बाद जब हमारा ये टोटली ये इरा खत्म होगा फिर हम लोग प्री पार्टीशन में आएंगे, ठीक है? मेरी आवाज नहीं आ रही, मैं तो सबको आवाज आ रही है मेरी, काइंडली प्लीज आप लोग अपनी साइड पे अपना इंटरनेट चेक करें, कनेक्शन अपना चेक करें, आपकी साइड पे जो है ना मेरे ख्याल से इंटरनेट की जो है ना खराब है। एग्जैक्टली मेरी साइड पे कोई नेटवर्क इशू नहीं है, बाकी स्टूडेंट्स की साइड पे होगा। अच्छा, जैसे ही आप लोगों का ये इरा खत्म होगा हम लोग साथ ही जो है ना प्री पार्टीशन स्टार्ट करेंगे। प्री पार्टीशन हम लोग इस तरह स्टार्ट करेंगे, हम लोग देखेंगे कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किस तरह हो, ठीक है? वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ेंगे, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद हम लोग देखेंगे कि भाई वहां के हालात क्या थे और वहां पे क्या इम्पेक्ट पड़े जब ये लोग वॉर हार गए थे, ठीक है?
क्योंकि उस टाइम हिंदू और मुसलमान सिख वगैरह ये सारे एक इकट्ठे रहते थे, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या हालात हुए, सर सैयद अहमद खान किस तरह आए आगे, आप लोगों के डिफरेंट जो आते हैं दारुल उलूम देवबंद किस तरह बनाया गया, ये सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। बीच में जितनी भी चीजें आप लोगों की प्री पार्टीशन में आएंगी, सारे इवेंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। इस तरह डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अगर आप लोगों का किसी भी चीज के ऊपर वो 20 नंबर का सवाल पूछ ले तो आप लोगों के पास उसका 20 नंबर का जवाब आप लोगों को आता हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो लखनऊ पैक्ट क्या बात करता है, लखनऊ पैक्ट के बारे में तो आप लोगों के पास इतना डेटा और इतनी अंडरस्टैंडिंग टॉपिक के साथ होनी चाहिए कि आप पेपर में बैठ कर वहां पे 20 नंबर का लखनऊ पैक्ट के ऊपर सवाल लिख के आओ, ठीक है। तो ये हम लोग कंप्लीटली इसको खत्म करेंगे, एंड तक हमारी पार्टीशन चलती रहेगी जब तक आप लोगों का पाकिस्तान नहीं बनता। पाकिस्तान बन जाएगा, हम लोग सीधा आ जाएंगे अपने जो है ना पॉलिटिकल एवोल्यूशन में। पॉलिटिकल एवोल्यूशन हम लोग पढ़ेंगे मैक्सिमम, आप लोगों का जो ज्यादातर आता है ना वो 1971 तक पूछा जाता है, ठीक है, 1971 तक पूछा जाता है। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे थोड़ा सा आगे भी पढ़ लें, हम लोग करंट सिचुएशन भी पढ़ेंगे सारा, ठीक है। करंट सिचुएशन के हवाले से भी सब कुछ डिस्कस करेंगे। ये चीजें खत्म होने के बाद पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर जब ये सारा डेटा आप लोगों का खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम लोग आएंगे रिफॉर्मर्स के ऊपर, ठीक है। रिफॉर्मर्स के ऊपर हम लोग अलग से पढ़ेंगे सारे रिफॉर्मर्स को, ये डिफरेंट किस्म के जो आप लोगों के आते हैं, शेख ये सरहिंदी आगे, ठीक है, शेख अहमद शहीद आगे, ये सारों को हम लोग जो है ना डिस्कस से डिटेल से जो है ना हम लोग डिस्कस कर लेंगे इन सारी चीजों को। उसके अलावा आप लोगों के कुछ आते हैं मेरे पास पाकिस्तान अफेयर के हवाले से ना, हमारे कुछ नेशनल टॉपिक्स आएंगे, ठीक है, यानी नेशनल इश्यूज के ऊपर हम लोग बात करेंगे। हम लोग पढ़ेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी, ठीक है। सबसे ज्यादा मसला बच्चों को आता है इकोनॉमी के ऊपर, ठीक है। इकोनॉमी डायरेक्ट मैं स्टार्ट नहीं करवाऊंगी कि भाई स्टार्ट हो गया लेक्चर आज है भाई इकोनॉमी के ऊपर लेक्चर ले लें, ऐसे नहीं होगा। पहले मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स की सारी टर्म समझाऊंगी, ठीक है। जीडीपी किसे कहते हैं पहले हम लोग समझेंगे कि भाई जीडीपी है क्या, कहीं पे अगर मैं नाम लूँ जीडीपी का आप लोगों को पता होना चाहिए जीडीपी क्या है, ठीक है। जीडीपी टू टैक्स रेशो क्या है आप लोगों का, आप लोगों का सरप्लस क्या है ट्रेड के हवाले से हम लोग देखेंगे, आप लोगों का अकाउंट डेफिसिट क्या है, इन सारी टर्म्स का मैं बताऊंगी। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, फेवरेबल हो तब क्या होता है, अनफेवरेबल हो तब क्या होता है, उसके बाद जाकर हम लोग कहीं पे इकोनॉमी को डिस्कस करेंगे। इकोनॉमी को डिस्कस हम लोग हर लिहाज से करेंगे, हम लोग अपने कोविड से पहले की भी बात करेंगे, हम लोग कोविड के बाद की भी बात करेंगे, हम लोग अपनी कंट्री की यानी एम्प्लॉयमेंट की भी बात करेंगे, हम लोग करेंसी डेप्रिसिएशन की भी बात करेंगे, हम लोग अपने बीच में इकोनॉमी के अंदर अपने टूरिज्म की बात भी करेंगे, हम लोग इकोनॉमी के अंदर अपनी ब्लू इकोनॉमी को भी पढ़ेंगे, व्हाट इज ब्लू इकोनॉमी, ठीक है। आप लोगों की ब्लू इकोनॉमी क्या है हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे। ये सारी चीजें आप लोगों की पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर आती हैं। इकोनॉमी से हम लोग बाहर निकलेंगे तो हम लोग आ जाएंगे भाई 18 अमेंडमेंट के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 18 अमेंडमेंट, हम लोग आएंगे 18 अमेंडमेंट के ऊपर, ठीक है, 18वीं तरमीम के ऊपर। अब मोस्टली पता क्या होता है पेपर के अंदर जब वो आपसे सवाल पूछता है ना, वो डायरेक्टली आपसे ये नहीं कहता 18वीं तरमीम बता दे क्या है। बच्चे मोस्टली पता है किस तरह सवाल तैयार करके जाते हैं, इस तरह करके जाते हैं भाई किन 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 आर्टिकल्स में जो है ना आपकी तरमीम की गई, पहली के अंदर दूसरे के अंदर सारे आर्टिकल्स रट्टा मार के चले जाते हैं, ये गलती नहीं करनी। उसने आपसे आर्टिकल्स नहीं पूछे कि हमें बताएं कौन कौन सा आर्टिकल चेंज किया गया, किस किस में अमेंडमेंट की गई, ये नहीं उसने पूछा। उसने आपसे आपका एनालिसिस पूछना है कि भाई 18 अमेंडमेंट की गई है, आप हमें ये बताएं कि हमारी कंट्री के लिए 18 अमेंडमेंट किस हद तक फायदेमंद है, ठीक है, इसको हमें रिवोक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। 18 अमेंडमेंट में आप लोगों की किन रिफॉर्म्स की बात की गई, आप लोगों के लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन की बात की गई, डेमोक्रेसी की बात की गई, किन चीजों की बात की गई, हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। इन चीजों के ऊपर एनालिसिस किस तरह करना है वो सब कुछ मैं आप लोगों का बिल्ड करवाऊंगी, एनालिसिस किस तरह करना है, सारी चीजों को किस तरह लेकर चलना है। 18 अमेंडमेंट से हम लोग बाहर निकलेंगे, साथ ही हमारा एक टॉपिक आ जाएगा एनएफसी अवार्ड का, ठीक है, कि एनएफसी अवार्ड्स क्या है, नेशनल फाइनेंस कमीशन आप लोगों का क्या है, ठीक है। हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे किस तरह सूबों के अंदर जो आप लोगों का पैसा है वो आप लोगों का डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, फलाने सूबे को कितने पैसे देने हैं, फलाने सूबे को कितने देने हैं, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे एनएफसी अवार्ड्स के अंदर, ठीक है। अब मुझे जरा हाजिरी लगवा दें, जाग रहे हैं सारे, हाजिरी लगवाएं भाई, सारे उठ जाएं, यस मैम, हाँ ना उठ जाएं सारे, जरा हाजिरी लगवा दें।
मुझे भी पता हो ना कि जाग रहे हैं सारे, ये ना हो कि पता चले मैम अकेली बोली जा रही है, बच्चे आराम से चिल होके सो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान बाकी क्लासेस का नहीं है, लेकिन पाकिस्तान अफेयर्स में बच्चे जाके बैठने चाहिए, ठीक है, पाकिस्तान अफेयर्स के जो क्लासेस है ना उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है। जिस बच्चे का मुझे रिप्लाई ना आया उसका मैंने पूछ लिया करना है कि भाई कहाँ पे हो, उठ जाओ, ठीक हो गया। एनएफसी अवार्ड से निकलेंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज एसडीजीज, ठीक है, आप लोगों के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं, वो टॉपिक्स जिनके आर्टिकल्स पेपर में बहुत ज्यादा आ रहे हैं आजकल, ठीक है, आप लोगों का पिछले दिनों एक आर्टिकल आया हुआ था एसडीजीज के ऊपर, ठीक है, एक चीज याद रखिएगा कि जब मैं आप लोगों को कोई टॉपिक पढ़ाऊंगी ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को इकोनॉमी पढ़ाती हूँ, मैं आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पढ़ाती हूँ, मैं इससे रिलेटेड आप लोगों के साथ एक फ्रेश आर्टिकल भी भेजा करूंगी, ठीक है, ताकि उसको पढ़ने के बाद एक तो ये है कि आप लोगों को करंट सिचुएशन का पता चलेगा, ठीक है, दूसरा आप लोगों का ना सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग अच्छी होगी, आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों ने पेपर के अंदर एनालिसिस किस तरह बिल्ड करना है, उसने बात आर्टिकल में किस तरह की हुई है, हम लोगों ने किस तरह लिख के आना है, ठीक है, हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करेंगे, ठीक है, डायरेक्टली हम लोग गोल्स के ऊपर नहीं चले जाएंगे, व्हाट इज गोल्स, ठीक है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं, पहले मैं बैकग्राउंड बताऊंगी भाई ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आए कहाँ से, ठीक है, पहले हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ने के बाद हम लोग जो है ना प्रेजेंट के ऊपर जाएंगे, प्रेजेंट के बाद हम लोग फ्यूचर पे जाएंगे, ठीक है, ये सारी चीजें आ गई। इसके बाद आप लोगों का जो टॉपिक्स आते हैं एसडीजीज के बाद आप लोगों की आती हैं ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस इस तरह पढ़ाती हूँ बच्चों को कि एक ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाने के साथ साथ आप लोगों की सारी ऑर्गेनाइजेशंस तैयार हो जाएंगी, वो इस तरह होंगी तैयार, अक्सर मैं बच्चों को कहती हूँ कि भाई स्मार्ट स्टडी करें, ठीक है, रट्टा ना मारे चीजों का, स्मार्ट स्टडी करें, ठीक है, हम लोग इस तरह तैयार करेंगे, देखें पेपर के अंदर अगर वो पूछेगा ना घूम घुमा के सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन पूछेगा, ज्यादा भी वो चांसेस आते हैं आप लोगों के हवाले से, या तो आप लोगों को यूएन ये इसका पूछ लेगा, क्या नाम है, ओआईसी का पूछ लेता है, ठीक है, या आप लोगों से एससीओ का पूछ लेगा, फॉर एग्जाम्पल वो आप लोगों से हम लोग करते हैं एससीओ तैयार करते हैं, ओआईसी तैयार करते हैं, या हम लोग सार्क की बात करते हैं, एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है, डिफरेंट क्या आता है इसके अंदर, डिफरेंस ये आता है कि इसकी आप लोगों की स्टेब्लिशमेंट की डेट, इसके मेंबर्स कितने हैं, ठीक है, ये सारी चीजें सिर्फ इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है, ये सारी चीजें सिर्फ तीनों के अंदर डिफरेंट आएंगी, ठीक है, अगर वो आपसे लोगों से सवाल पूछता है कि भाई एम्स क्या है इनके, ठीक है, इनके बनाने के एम्स क्या है, क्यों बनाई गई, एससीओ क्यों बनाई गई, पेपर में वो आपसे पूछता है ओआईसी क्यों बनाई गई, ठीक है, तो आप लोग अगर थोड़ा सा गौर करें तो सबके एम्स सेम नहीं आते, ठीक है, रिलेशनशिप आप लोगों के अच्छे करना, दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड बेहतर करना, इकोनॉमीज को जरा पुशअप करना, जरा बेहतर करना, ठीक है, तो मोस्टली सबके आप लोगों के जो एम्स है ना सबके एक जैसे आते हैं, पीस हार्मनी आप लोगों की कंट्री के अंदर डेवलपमेंट लेकर आना, ठीक है, आप लोगों की वो आ जाते हैं, आप लोगों की इकोनॉमी से रिलेटेड आ जाते हैं, आप लोगों के दूसरी कंट्री से रिलेशंस की बात आ जाती है, ठीक है, एम्स मोस्टली सबके सेम आएंगे, ठीक है, कहाँ पे चीजें डिफरेंट आती हैं समेट वहां पे डिफरेंट आ जाते हैं, ओ एस सी ओ का कहाँ पे हुआ, ओ आई सी का कब हुआ, सार्क का कब हुआ, ये चीज आप लोगों की हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट आएगी, ठीक है, अगर वो पेपर में पूछता है भाई फेलियर बता दें, फेलियर की वजूहत बता दे, रीजंस बता दे क्या है, ठीक है, मोस्टली सबके अंदर फेलियर सेम ही आती है, लैक ऑफ फंडिंग है, ठीक है, कॉपरेशन नहीं है कोई भी, ठीक है, तो मोस्टली सबके अंदर फेलियर सेम आती है, तो बात ये है कि पेपर में पूछनी उसने एक है, तैयार ऐसे करनी है कि एक के तैयार होने से बाकी भी हमारे लिए आसान हो जाए चीजें, ठीक है, इस तरह नहीं करनी पहले एससीओ को भाई 3 दिन लगा के एससीओ को तैयार किया है, फिर कहीं ओसी ओआईसी के ऊपर डाटा निकालना शुरू किया है, फिर वहां पे जाके गुम हो गए हैं ओआईसी में, ठीक है, फिर जाके कहीं पे हम लोगों ने सार को देखे, इस तरह नहीं करना, ठीक है, चीजों को आसान लेकर चलना है, जो जिन चीजों से आप लोगों की एक चीज तैयार होने से दूसरी चीज तैयार हो जाती है, तो उस पे बाकी चीजों पे टाइम वेस्ट ना करें, करें काम साइड पे लगाते रहें काम, ठीक है, डेटा नेट के ऊपर किताबों के अंदर बहुत सारा डेटा अवेलेबल है, ठीक है, बच्चे अक्सर ये कह रहे होते हैं मैम डेटा कहाँ से लें, भाई डेटा बहुत ज्यादा अवेलेबल है, जब तक आप लोगों के पेपर होंगे पेपर तक आप लोग इतने कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे के, मैम कौन सा डेटा पुट करें, दीजिए लिख के कौन सा आना है पेपर्स के अंदर,
तो ये सारी चीजें हम लोग क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से थोड़ा सा अगर समझ में आया तो बता दें, यहाँ पे अगर किसी का कोई सवाल है बताइएगा जरा। कोई है क्वेश्चन तो बताएं यहाँ पे, नहीं तो हम लोग चलते हैं आगे। उठ जाएं सारे, जागे। मैम आगे कंटिन्यू करें। हाँ ठीक हो गया, मैंने कहा जाग जाए ना बाकी सारे भी उठ जाएं, सुबह हो गई है। ठीक हो गया, आगे देखें। आगे आप लोगों को टॉपिक करवाऊंगी क्लाइमेट चेंज का, ठीक है। क्लाइमेट चेंज के हवाले से हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लड्स की सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर। फ्लड्स को छोड़ते हुए हम लोग जाएंगे कि भाई आप लोगों के हमारी कंट्री के अंदर जो फ्लड्स आए हैं वो क्या वजूहात है, ठीक है। वो नेचुरल आप लोगों का कोई डिजास्टर आया है उसकी वजह से है या आप लोगों की एडमिनिस्ट्रेटिव कोई नेग्लिजेंसी आती है उनकी, ठीक है। तो ये चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे सारी डिटेल के अंदर करेंगे। जी जी कौन बोला है? मैम मैं सबील बुक्ति बात कर रहा हूँ मैम, लाहौर से। जी जी बोले, जी जी बोले। मैम मतलब हम इस तरह लिख सकते हैं कि मतलब उसके सोल्यूशन बता सकते हैं एग्जाम में? किस चीज के सोल्यूशन? मतलब फ्लड इन पाकिस्तान, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की कोताहियां वगैरह इस तरह। देखिए मैं बताती हूँ सबील बच्चे, मैं बताती हूँ। देखिए क्लाइमेट चेंज है ना, अब क्लाइमेट चेंज के ऊपर कैसा सवाल आता है हमें ये नहीं पता बात, ठीक है। कि अब वो आप लोगों को जो आप लोगों के पीएमएस के एग्जाम्स होने हैं वो किस तरह आप लोगों को पेपर के अंदर सवाल डाल के देता है, ठीक है। हम लोग सवाल को इस तरह तैयार करेंगे अपने टॉपिक को कि वो कहीं से भी घुमाकर पूछ लेना हमें आता हो, ठीक है। आप लोगों का जो सजेशन वाला पार्ट आता है ना, सजेशन वाला पार्ट आता है वो आप लोग डालेंगे। जहां पे आप लोगों का कोई सोशल इशू की बात होगी, कोई आप लोगों का करंट इशू चल रहा होगा, कोई नेशनल इशू होगा, उसके अंदर आप लोगों ने सजेशन की हेडिंग डालकर आनी है। वहां पे 2-3-4 आप लोगों ने उसको सजेशंस बताकर आकर लास्ट के ऊपर कंक्लूजन की हेडिंग बनानी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग करेंगे। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज के अलावा हम लोग देखेंगे, अच्छा क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, हम लोग देखेंगे फ्लड्स क्यों आए, फ्लड्स की वजूहात क्या थी, ठीक है। और बाकी हम लोग अपनी जरा पाकिस्तान में जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव है ना उसकी जरा हम बात करेंगे कि इतनी ज्यादा नेग्लिजेंसी क्यों उन्होंने शो की कि हमारे 1/3 हमारी कंट्री का ही डूब गया पानी के अंदर। ये आपकी यूएन की रिपोर्ट ने बताया, ठीक है, कि हमारा जो कंट्री का 1/3 है ना पाकिस्तान का वो डूब गया था फ्लड की वजह से। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को रेफरेंसेस भी बीच में कर लिखवाती जाऊंगी, ठीक है। फैक्ट शीट के हवाले से भी बताऊंगी कि किस तरह फैक्ट शीट निकलनी है। और एक चीज याद रखिए, क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड 2 आर्टिकल, 1 आर्टिकल पढ़ा दिया करूंगी, बाकी आर्टिकल्स मैं आप लोगों को फॉरवर्ड किया करूंगी जो इंपॉर्टेंट हुआ करेंगे, उनको आपने रीड किया करना है। रीड करने के बाद अपने तौर पर उसके अंदर से डेटा उठाया करना है, ठीक है। टॉपिक साथ कुछ मैं पढ़ाऊंगी लेकिन आप लोगों को रीड करने के लिए आप लोगों को भी चीजें फॉरवर्ड किया करूंगी जो आप लोगों की इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। ये सारी चीजें क्लाइमेट चेंज के बाद आप लोगों के डिफरेंट टॉपिक्स आएंगे बीच में, अनएम्प्लॉयमेंट आ गई, इन्फ्लेशन आ गई हमारी, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों के पास देखें इन्फ्लेशन को हम लोग अलहदा से पढ़ेंगे, ठीक है, इन्फ्लेशन को अलहदा से पढ़ेंगे, ठीक है। इन्फ्लेशन के बाद हम लोग पढ़ेंगे आप लोगों का, जब प्री पार्टीशन में हम लोग पढ़ रहे होंगे ना, प्री पार्टीशन के बाद जब आप लोगों का पॉलिटिकल एवोल्यूशन आएगा, इसके अंदर कुछ टॉपिक्स आते हैं। एक तो हम लोग एग्रीकल्चर पोर्शन को बड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर के ऊपर भी पेपर में सवाल आने के चांसेस हैं पीएमएस के अंदर। एग्रीकल्चर सेक्टर को पढ़ेंगे, क्यों एग्रीकल्चर सेक्टर को पढ़ेंगे, क्योंकि आपका एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो बिल्कुल बर्बाद हो गया। किसकी वजह से हो गया? आप लोगों के फ्लड्स की वजह से। हमारी जितनी कॉन्ट्रीब्यूशन जीडीपी के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर से जा रही थी लेकिन फ्लड की वजह से सारा कहने के कबाड़ हो गया, ठीक है, कुछ भी नहीं बचा। इसलिए हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर को लहदा से पढ़ेंगे। इंडस्ट्रियल सेक्टर को हम लोग देखेंगे कम्प्लीटली, इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा कहाँ पे है। अच्छा, इंडस्ट्रियल सेक्टर को पढ़ते पढ़ते ना हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर को इस तरह कनेक्ट करेंगे कि नेशनलाइजेशन किसने करवाई आकर हिस्ट्री के अंदर, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन किसने करवाई, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोगों को डिस्कस करवाऊंगी। और एक चीज याद रखिएगा, मुंह उठा के हम लोग खाली ये नहीं पढ़ लेंगे नेशनलाइजेशन आके किसने करवा दी। टॉपिक पहले मैं बताऊंगी व्हाट इज नेशनलाइजेशन।
नेशनलाइजेशन हम लोग कहते किसे हैं, जाहिर बात है वर्ड का पता होगा तो आप लोग आगे चलोगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब बाकी ये है कि एक चीज याद रखिएगा, पाकिस्तान अफेयर्स आप लोगों का एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर से मोस्टली टॉपिक्स जो है ना वो आप लोगों के एसे के पेपर में भी आते हैं, ठीक है। जो आप लोगों के करंट सिचुएशन के हवाले से हम मोस्टली मोस्टली आप लोगों के पेपर्स के अंदर आते हैं। हमारे जो पॉसिबल रिलेशन हुए पाकिस्तान के कंट्रीज के साथ वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के जो रिलेशन हैं बाकी कंट्रीज के साथ वो किस तरह के हैं, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट होंगे वो मैं आप लोगों को जरूर पढ़ाऊंगी, ठीक है। और एक टॉपिक आता है इम्पोर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसके अंदर आप लोगों का मोस्टली सारा कुछ कवर हो जाता है। हम लोग पढ़ेंगे ग्लोबल पावर डायनामिक्स। क्या पढ़ेंगे? ग्लोबल पावर डायनामिक्स, ठीक है। एक तो मैं आप लोगों को ग्लोबल पावर डायनामिक्स पढ़ाऊंगी एंड इम्प्लीकेशन फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए क्या इम्प्लीकेशन है, ठीक है। पाकिस्तान के लिए क्या हालात है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को कौन कौन से चैलेंजेस है, किस हवाले से भाई ग्लोबल पावर डायनामिक्स क्या है। हम लोग देखेंगे चाइना की और यूएस की किस तरह ट्रेड वॉर हुई, ठीक है। हम लोग इंडो पैसिफिक को देखेंगे, किस तरह इंडो पैसिफिक का कॉन्फ्लिक्ट हुआ। इंडो पैसिफिक का टॉपिक मैं अलग से भी पढ़ाऊंगी आप लोगों को, क्योंकि इसका भी पेपर में आने के चांसेस है कि व्हाट इज इंडो पैसिफिक कॉन्फ्लिक्ट, ये जो आप लोगों का हुआ है भाई यूएस के और क्या नाम है चाइना के दरमियान में, इस इंडो पैसिफिक कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कुछ डील साइन की गई, कुछ क्वाड बनाए गए, कुछ अकस साइन किया गया, ये हम लोग सारी चीजें डिस्कस करते जाएंगे। ये सारी डिस्कस करने के बाद हम आएंगे ग्लोबल पावर डायनामिक में। ग्लोबल पावर डायनामिक में सारी कंट्रीज की बात करेंगे, हम लोग देखेंगे कि किस तरह अलाइज बन रहे हैं, हम लोग देखेंगे कि आप लोगों का चाइना और यूएस कहाँ पे खड़ा है, हम लोग यूक्रेन का जिक्र करेंगे, यूक्रेन कहाँ पे है, आप लोगों का रशिया कहाँ पे खड़ा है, इन सारी जो आप लोगों की सिचुएशन है, इस सिचुएशन में पाकिस्तान के लिए क्या इम्प्लीकेशन है, कौन कौन से चैलेंजेस पाकिस्तान को फेस करने पड़ेंगे और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं पाकिस्तान के लिए। अगर चैलेंजेस है तो उसको हम लोग ओवरकम किस तरह करेंगे, ठीक है, उसके सजेशंस भी उसको बताएंगे। अगर इन सारी ग्लोबल पावर डायनामिक्स के साथ अगर हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो भी हम लोग सारी डिस्कस करेंगे। तो ये एक पार्ट लैदा आ गया आप लोगों का। इस पार्ट के बाद हम लोग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि भाई फर्ज है आप लोगों के जो पीपीएससी वाले हैं ना वो देते हैं, सीपैक, ठीक है। और सीपैक का पहले जो आप लोगों का टॉपिक था पिछले साल सिंपल सीपैक था, उसके बाद आप लोगों का स्टार्ट हो गया था सीपैक फेज टू, ठीक है। अब जो आप लोगों का टॉपिक बन रहा है ना वो टॉपिक ये बन रहा है, एक तो रिवाइवल ऑफ सीपैक टॉपिक जो आप लोगों का इंपॉर्टेंट तैयार हो रहा है सीपैक से रिलेटेड, रिवाइवल ऑफ सीपैक, और दूसरी बात ये है कि आप लोगों का जो यूएस है वो सीपैक को कहता है ये डेट ट्रैप है, ठीक है, ये एक डेट ट्रैप है। तो हम लोग इस चीज का भी जिक्र करेंगे कि ये डेट ट्रैप किस तरह है। अगर पेपर में उसने पूछ लिया आप लोगों से कि आप लोग अपना ओपिनियन हमें बताएं सीपैक से रिलेटेड कि ये पाकिस्तान के लिए डेट ट्रैप है या नहीं है, ठीक है, तो हम लोग उसके ऊपर भी अपना ओपिनियन बिल्ड करेंगे कि डेट ट्रैप कैसे है। ये सारी चीजें हम लोग जो है ना बड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जितने भी आप लोगों के करंट अफेयर्स वाले ये जो हिस्ट्री से अलहदा जितने भी टॉपिक्स आते हैं ना वो सारे हम लोग व्हाइट बोर्ड पे करेंगे, और व्हाइट बोर्ड पे इस तरह करेंगे कि आप लोग नोट्स बनाएंगे अपने पास हाथों से लिखेंगे ताकि आप लोगों को पेपर में चीजें याद रहें, ठीक है। yes, और यहाँ पे मैं टाइपिंग करूंगी। क्लियर हुई बात? सवाल है किसी का पूछे यहाँ पे, उठ जाए आप जाग। ये जो इसलिए आप टॉपिक सारे डिस्कस कर रही हैं, मतलब पीएमएस और पीएससीएसएस का जो पाकिस्तान स्टडीज का सिलेबस है वो ऑलमोस्ट मैम सेम नहीं है, क्योंकि यही टॉपिक्स उसके हैं सारे, सीएसएस के जो सिलेबस है। हाँ देखिए ऑलमोस्ट सेम आता है, लेकिन हम लोगों की पाकिस्तान अफेयर्स में जो सीएसएस का है ना उसमें थोड़े से ज्यादा वास्ट जो है ना आप लोगों का करंट अफेयर्स डाल दिया जाता है, ठीक है। पीपीएससी के अंदर जो पीएमएस के पेपर वो डालते हैं ना वो इतने ज्यादा कोई मुश्किल नहीं डालते, ठीक है। हम लोग तैयारी, हाँ हम लोग तैयारी इस लिहाज से करेंगे कि आप लोगों के जहां जहां पे पाकिस्तान आ रहा है ना, जिस जिस जगह पे पाकिस्तान को कहीं पे थोड़ा सा नुकसान भी हो रहा है ना कहीं पे थोड़ा सा फायदा भी हो रहा है, वो भी टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। ओके मैम, ठीक है। क्योंकि एक चीज याद रखिए, लास्ट टाइम जब मेरी बच्चों के साथ क्लासेस हुई थी ना पाकिस्तान अफेयर्स की, उसमें ये था कि मैंने जब बच्चों को पढ़ाई थी, कुछ बच्चों को इन्फ्लेशन टॉपिक पढ़ाया लैदा से, एग्रीकल्चर हम लोगों ने पढ़ा, इंडस्ट्रियल सेक्टर पढ़ा, पेपर में बच्चे गए, सबसे पहला पेपर इनका आप लोगों को पता है ऐसे इंग्लिश के बाद ऐसे का आता है, उसके बाद इंग्लिश ही आगे पीछे ही पेपर आते हैं।
हालत ये हुई कि जब एसे का पेपर सामने आया ना, एसे के पेपर में पहला टॉपिक बच्चों का था प्राइस हाइक का। आप लोगों को याद हो, आप लोगों को पीएमएस का जो आप लोगों का एसे का पेपर है, तो आप लोगों का पहला ही टॉपिक प्राइस हाइक का था। अब जिन बच्चों ने, जाहिर बात है जो एसे के टीचर हैं वो तो आप लोगों को जाहिर बात है पूरा तरीका बताएंगे किस तरह पढ़ना है सारी चीजें, लेकिन टॉपिक के अंदर हम लोगों ने पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर ये सारी चीजें कवर की नहीं थी। व्हाट इज इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन क्या, पाकिस्तान किस जगह पे खड़ा है आज, ठीक है। अब जिन बच्चों को टॉपिक का पता था ना प्राइस हाइक का, उनको सीधे सीधे पता चल गया कि भाई प्राइस हाइक की बात हो रही है तो इन्फ्लेशन की बात हो रही है कंट्री में, ठीक है। दूसरी तरफ आप लोगों का एक और टॉपिक आ गया, वो आ गया इंडस्ट्रियल सेक्टर से, ठीक है। उन्होंने पूछ लिया भाई कि इंडस्ट्रियल सेक्टर आप लोगों की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए या सॉरी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए किस तरह आप लोगों का फायदेमंद है, ठीक है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में से भी एक पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर से टॉपिक आ गया, एक टॉपिक आप लोगों का क्लाइमेट के अंदर से आ गया, ठीक है। तो तैयारी इस तरह करेंगे आप लोगों को दूसरे सब्जेक्ट्स में भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स हैं पाकिस्तान अफेयर्स में वो पूछ लेगा, ठीक है। क्योंकि देखें, अगर वो आप लोगों को, मे भी ये भी हो सकता है वो आप लोगों को पाकिस्तान अफेयर्स में ऐसा कोई टॉपिक पूछे ही ना, वो सिर्फ हिस्ट्री पूछ ले। ऐसा भी हो सकता है वो हिस्ट्री ना पूछे, आप लोगों से ये टॉपिक्स पूछ ले पाकिस्तान के, कोई नेशनल इशू या इंटरनेशनल इशू, कहाँ कहाँ पे पाकिस्तान किस किस जगह पे क्या क्या चीज फेस कर रहा है, ठीक है। वहां पे बैठ के हम तो कुछ नहीं कह सकते कि भाई तुमने पेपर ऐसा क्यों बनाया भाई, ठीक है। तो बेहतर है कि हम सारी चीजें तैयार करके जाएं, हम लोग जहाँ पे अगर हिस्ट्री तैयार कर रहे हैं वहां पे हम लोग करंट से रिलेटेड कोई टॉपिक्स भी तैयार कर लें, जहाँ पे हम लोग करंट से रिलेटेड कोई टॉपिक पढ़ने हैं वहां से हम लोग गई हिस्ट्री को भी तैयार कर लें। तो जहाँ पे इतना पढ़ना है सारा ही पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्यों पीछे कोई रिस्क रखना, ठीक है। तो बाकी और बताएं भाई, सवाल पूछे मेरे से, अब इतना कुछ डिस्कस किया है, बच्चे लगता है सो गए हैं। मैम जी जी नहीं मैम जाग रहे हैं, मैम ये पूछना चाह रहा था कि मैं मतलब अगर मतलब पीएम मतलब पीएमएस में 1500 वर्ड लिखने हैं तो 2-3 पॉइंट लिखेंगे तो मैम इतना इतना तो नहीं लिख पाएंगे ना अगर ऐसे में। देखें ऐसे के हवाले से मैं कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि ऐसे के हवाले से वो ऐसे के टीचर आपको बताएंगे, ठीक है। मैं सिर्फ टॉपिक्स तैयार करवाऊंगी आप लोगों ने ऐसे के अंदर किस तरह लिखना है, आउटलाइन किस तरह बनानी है, कितनी उसकी लेंथ होगी, पैराग्राफ का साइज क्या होगा, वो सब कुछ आपको ऐसे के टीचर बताएंगे। मैंने टॉपिक कवर करवाने, ठीक है। मेरा काम ये है कि आपकी टॉपिक के साथ अंडरस्टैंडिंग कितनी होनी चाहिए, आपको टॉपिक कितना समझ में आता है, आपका डाटा क्या है, बाकी अंदर जो मटेरियल आपने ऐसे के अंदर डालना है वो ऐसे के टीचर का काम होगा, वो आपको बेहतर बता सके। चलो सही है मैम, हाँ जी मतलब, इंशाल्लाह वो कल होगा आपका इंग्लिश ऐसे का लेक्चर भी, फिर आप अपनी क्वेरी सारी पूछ लीजिएगा सर से ना। चलो सही है मैं पूछ लूंगा मैं। तो कितना ऐसा मैम इसी टाइम होगा जिस टाइम मतलब आज मैम की क्लास हो रही है? जी जी बिल्कुल इसी टाइम होगा और ग्रुप में आपको बता दिया जाएगा। चलो सही है मैम, कंटिन्यू करें मैम, माजरा। ठीक हो गया। अच्छा ऐसा ना बच्चे, मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं, जरूर मैं करवा देती हूँ। मेरा ये है कि तथीर जहरा मेरा नाम है, ठीक है। मैंने डबल मास्टर्स किया हुआ है, मेरी डिग्री एमएससी इकोनॉमिक्स की है और दूसरी साइड पे एमकॉम की, ठीक है। और ये है कि मुझे कोई पिछले कोई आई थिंक 3-3 साल है ये सीएसएस पीएमएस के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ, और दूसरा ये जो वन पेपर के आप लोगों के एग्जाम्स होते हैं, मॉड आ गया आप लोगों का, ऐसा ये आईबी और आईबी और ये सारा कुछ, और बाकी यहाँ पे इनके प्लेटफॉर्म से, फ्यूचर सीएसपी के प्लेटफॉर्म से मैं आप लोगों को पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ाऊंगी, ठीक है। ये मेरा इंट्रो है, छोटा सा शॉर्ट सा। और पूछें सवाल, पूछें और पूछें, जाग जाएं, सवाल पूछें पाकिस्तान अफेयर्स से पूछें, बाकी कोई और सवाल है पूछें। किस चीज की एब्रीवेशन पूछ रहे हैं आप? मतलब जैसे SARS की एब्रीविएशन, पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर है, देखिए आपका रिटर्न एग्जाम है, ठीक है, आपका एमसीक्यूज का पेपर नहीं है कि वो आपसे एब्रीविएशन पूछेंगे, क्यों पूछेंगे, वो नहीं पूछेंगे। नहीं मतलब मतलब वो एब्रीविएशन के साथ-साथ डेट भी लिखेंगे, लोकेशन भी लिखेंगे, इस तरह लिख सकते हैं। वो तो चीजें आपको जब मैं ऑर्गेनाइजेशन तैयार करवाऊंगी ऑब्वियसली वो चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी साथ,
कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कब इस्टेब्लिश हुई, इसके मेंबर कितने हैं, ये सारी चीजें तो पढ़नी पड़ेंगी साथ। ठीक है मैम, वो तो पढ़ेंगे मैम, मतलब एग्जाम में मतलब वो हो सकता है ना, इस तरह पॉसिबल मतलब पैटर्न बताएंगे एग्जाम का, मेरे कहने का ही मतलब है मैम। एग्जैक्टली मैं पैटर्न बताऊंगी ना, इसीलिए तो मैंने कहा है कि असाइनमेंट में आपको दिया करूंगी, क्वेश्चंस मैं दिया करूंगी, आपका काम होगा लेक्चर लेने के बाद, जो आज जिस दिन आप लोगों की मेरी पाकिस्तान अफेयर्स ऑफ हुआ करेगी, आप लोग असाइनमेंट बनाकर मुझे चेक करवाया करेंगे, उसमें फिर मैं गलतियां निकाला करूंगी, कहाँ पे कोई कमी है, कहाँ पे अगर कोई आपने कॉन्टेंट नहीं सही आपका या मटीरियल क्वालिटी का नहीं है, ये चीजें मैं फिर बताया करूंगी। ठीक है, चलो चलो, सही है, ओके मैम, डाउट्स क्लियर हो गए मैम, ठीक हो गया। अफजा बच्चे, मैं आप लोगों को पाकिस्तान अफेयर्स के लिए ना किसी ऑथर की बुक रिकमेंड नहीं करती, क्योंकि आपको मैं एक किताब कहूंगी उसके अंदर पूरा डाटा नहीं अवेलेबल, दूसरी कहूंगी डाटा अवेलेबल नहीं है, तीसरी कहूंगी डाटा अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं खुद ही नोट शेयर करूंगी, ठीक है, खुद ही आर्टिकल शेयर करूंगी, खुद ही नोट शेयर करूंगी, क्योंकि मार्केट के अंदर कोई भी किताब ऐसी नहीं है जो आप लोगों के पूरे सिलेबस पे पूरा उतरती, ठीक है, आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरती। ठीक है, तो क्योंकि इससे बाद में ये होगा कि मैम फलाना टॉपिक इसके अंदर नहीं है, फिर मैं कहूंगी भाई फलाना टॉपिक फलानी किताब के अंदर है, फलाना टॉपिक फलानी किताब के अंदर है, तो बेहतर है कि मैं खुद ही आपको चीजें भेजा करूँ। ठीक है मैम, ये चीजें आप मतलब ग्रुप में प्रोवाइड करेंगी मैम? जी जी, जो आप लोगों का ग्रुप होगा फ्यूचर CSP एकेडमी का, इनका जो ग्रुप होगा उनके अंदर ही मैं प्रोवाइड करूंगी ना चीजें। मैम मैंने तो फिलहाल मतलब PMS 2020 मतलब 22 मैम उसके थ्रू मैं यहाँ पे ज्वाइन कर पाया हूँ मैम, उसमें तो मेरा वो नहीं है ज्वाइन। सबील मैम, मैम वो वही ग्रुप है जिसे आपने ज्वाइन किया है, वही है। चलो सही है मैम, थैंक यू, ठीक हो गया। अच्छा, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक की स्टडी के लिए आप मुझे कोई बुक रिकमेंड कर दें। ठीक है, अब ये बुक इकोनॉमिक से रिलेटेड पूछ रही हैं आप, नूर इकोनॉमिक से रिलेटेड किताब है, मुझे ये बता दीजिए बस, आप इकोनॉमिक्स की अगर तैयारी करना चाह रही हैं, अगर उससे रिलेटेड किताब पूछ रही हैं तो मैं बता देती हूँ आपको, कोई इशू नहीं है, पता भी चले ना किससे रिलेटेड पूछ रही हैं आप। चले मुझे आप बताती हैं अगर ये चैट का ये जो इन्होंने लिंक शेयर किया, आप ज्वाइन कर सकते हैं चैट का लिंक, ताकि आप लोगों को तमाम आने वाले अपकमिंग जितने भी इनके सेशंस हैं आप लोगों को पता चलता जाए। ठीक है, और बाकी ये है कि बुक का अगर आपने जो पूछा है मेरे से, मुझे थोड़ा सा ये बता दें, अगर आप इकोनॉमिक से रिलेटेड पूछ रही हैं तब भी मैं बता देती हूँ, PMS की CSS की वो मैं आपको बता देती हूँ, बस पता चले ना कि आप पूछ किसके हवाले से रही हैं, ताकि मैं बता दूं कि क्वालिटी कंटेंट कहाँ से मिलेगा आपको, मैक्रो का और माइक्रो का स्पेशली। बाकी अगर किसी को क्वेरी नहीं है, अगर कोई नहीं है तो हम लोग सेशन को एंड करते हैं यहाँ पे। क्लियर है सबका? मैम ये कह रही हैं कि इकोनॉमिक के हवाले से पूछ रही हैं। अच्छा, इकोनॉमिक्स PMS के लिए पूछ रही हैं। आई थिंक सो, ये दोनों के लिए पूछ रही होंगी, PMS CSS के लिए। अच्छा, PMS और CSS में फर्क ये है कि PMS में जब हम लोग जाते हैं ना इकोनॉमिक्स में, तो उसमें न्यूमेरिकल आता है, ठीक है, न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन जब हम लोग CSS में जाते हैं ना इकोनॉमिक्स के लिए, तो उसके अंदर न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते, ठीक है, उसके अंदर सिर्फ थीरीज सीधी सीधी आप लोगों से जो है ना थ्रेटिकल पेपर आता है, लेकिन PMS के अंदर ना आप लोगों का न्यूमेरिकल आता है। और दोनों के लिए मैं एक बुक रिकमेंड करती हूँ आप लोगों को, क्योंकि क्वालिटी डाटा आप लोगों को वहां से मिलेगा। एक मैक्रो की बुक है, उसमें ऑथर का नाम है मैनकीव, ठीक है, ऑथर का नाम आता है मैनकीव, आई थिंक सो। मैं आपको जो है ना, अगर पॉसिबल हुआ ना, तो मैं आपको पिक्चर शेयर कर दूंगी, ये एकेडमी के जो है ना ग्रुप के अंदर मैं पिक्चर शेयर कर दूंगी, वो आपको आगे फॉरवर्ड कर देंगे। मैनकीव की बुक आती है आप लोगों की मैक्रो की, ठीक है, और माइक्रो की जगह फॉरेन ऑथर है, ठीक है, और जो माइक्रो की किताब आती है ना, ये आप लोगों का पाकिस्तानी ऑथर है, ये आई थिंक मेरे जहन से नाम निकल गया, मुझे दो मिनट दीजिए, मैं आपको नाम बताती हूँ, दो मिनट हो गए। सादिया कल के लेक्चर को अनाउंस कर दें मीनवाइल।
बच्चे आप जो एकेडमी का पूछ रही हैं, ऑनलाइन बेसिस क्लासेस होंगी, ऑनलाइन ही डिस्टेंस है, आप फिजिकल क्लासेस को हम प्रमोट नहीं करते क्योंकि आजकल डिजिटल एजुकेशन कर रहा है तो सारी क्लासेस वाया जूम होंगी। जी शादी आपका नहीं बताएं। जी कल आपकी एस ए एंड प्रेसी की क्लास होगी इंशाल्लाह उसी टाइम पे, और आपको वो ग्रुप में लिंक शेयर कर दिया जाएगा, और टाइमिंग भी उसी होप सो किसी टाइम होगा जैसे आज हमने किया था 8 से 10 तक, और इंशाल्लाह इसी तरीके से आपकी जो जो आगे फर्दर 5 डेज का हमने कहा था आपसे, सारे सब्जेक्ट्स की कंपलसरी सब्जेक्ट्स की सारी जो डेमो क्लासेज हैं वो 5 डेज फ्री होंगी आप लोगों की, फिर इसके बाद जो भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स होंगे उसके बाद वो एक अलग से ग्रुप बनेगा और उसमें वो सब बच्चे रजिस्टर्ड जो भी होंगे वो फर्दर आगे कंटिन्यू कर सकेंगे। आरएफ रजा, बच्चे एक्साइज इंस्पेक्टर की कोई स्पेसिफिक बुक नहीं होती, आप बुक पे मत जाइएगा कभी भी क्योंकि बुक का कोई भी कंटेंट अपडेटेड नहीं है। हाँ, ऑल दो आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा ऑनगोइंग एक जीके का कंप्रेहेंसिव बैच चल रहा है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ना बुक के नाम लिख दिए हैं, मैक्रो की जो बुक आती है ना वो जॉर्ज मैनकी की आती है, ठीक है, इसके अंदर से आपको जितना भी डाटा होगा ISLM का पोर्शन आ जाता है आपका, आपका मैक्रो के बाकी थीसिस वगैरह अगर आती हैं तो वो आपके बीच में आ जाती है। माइक्रो की जो किताब है ये किताब एक्चुअली में जो पब्लिशर्स है वो उनका नाम है अब्दुल्ला ब्रदर्स, ठीक है, और जो आप लोगों का राइटर आता है उसका नाम है जाहिद फरीदी नाम है उस बंदे का जिसने लिखी हुई है किताब, नीचे वाला पाकिस्तानी ऑथर है, ऊपर वाली आप लोगों की फॉरेन ऑथर की है, तो आप इसके अंदर से जो है ना डाटा ले सकते हैं, और इसके अंदर आप लोगों के जो है ना न्यूमेरिकल बीच में भी हो। ठीक है बच्चे, अगर किसी को कोई क्यूरी है तो वो पूछ सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर हम सेशन को एंड कर देते हैं। बाकी सब बच्चे ग्रुप में ऐड हैं, आपको अकॉर्डिंगली इसी तरीके से नेक्स्ट बता दिया जाएगा कि डेमो क्लासेस कल इंशाल्लाह ऐसे और प्रेसी की होगी, इसके बाद जैसे भी फर्दर आपकी जो क्लासेस होंगी डेली बेसिस पे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर बच्चे कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। इंशा बच्चे, एकेडमी को ज्वाइन करने का तरीका सिंपल का सा है, मैं यहाँ पर अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहा हूँ, सादिया कैनी कर दें ताकि सब बच्चों को पता चल जाए जो हमसे आज नए ज्वाइन हुए हैं। ये मैंने चैट में नंबर शेयर कर दिया है अपना, 0305-7900-524, इस पर आप मैसेज ड्रॉप कर देंगे, वैसे मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूं अगर जो बच्चा ग्रुप में ऐड नहीं है, और ये लिंक भी सादिया ने ड्रॉप कर दिया है, यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं एकेडमी के जो अनऑफिशियल ग्रुप है उसमें। फिर जब आप लोगों की डेमो क्लासेस खत्म हो जाएंगी, जो बच्चे हमारे साथ इस सफर में हमारा साथ देंगे चलेंगे, उनके साथ हमारे रेगुलर क्लासेस चलेंगे। आई थिंक नंबर कंप्लीट नहीं है, नंबर आप जरा कंप्लीट बता दें, मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स को मसला हो रहा है। मैम आपने स्क्रीन शेयर की हुई है, कैनली आप राइट कर सकती हैं, 0305 हाँ जी जी मैं कर देती हूँ, 05 0305 7900 7900 524 524 ये नंबर है, आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट करके ना सारी जो है डिटेल्स ले सकते हैं, ठीक है, एकेडमी के हवाले से जितनी कौन सा सेशन आ रहा है, कौन सा आगे आने वाला है, फी स्ट्रक्चर का, टाइमिंग के हवाले से सब कुछ आप लोग जो है ना मैसेज करके वहां पे पूछ सकते हैं, आपको उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव जो है एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ आप लोगों को गाइड कर देगी टोटली। बाकी ये है कि उम्मीद है आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के थोड़े से पल्ले भी पड़ी होंगी या चीजों का इंजॉय किया होगा, और बाकी ये है कि जितनी भी क्वेरीज होंगी आप लोग एकेडमी से पूछ सकते हैं, वो आप लोगों को बेहतर गाइड कर देंगे, ठीक है। आई थिंक मुझे अब चलना चाहिए, बच्चों की अगर कोई क्वेरी नहीं है तो मैं चलती हूँ। थैंक जी, श्योर मैम, श्योर यू मैम, सो थैंक मच यू। मैम, थैंक यू सो हाँ मच, जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, वेल साहब, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। CSS 24 के लिए हमारा सेशन जो स्टार्ट होगा वो जनवरी से स्टार्ट होगा बच्चे। अब 23 के सेशन को हम लॉन्च करके उसका जल्दी जल्दी में पढ़ा के उसको
उससे कोई फायदा नहीं है। हम जो चीज पढ़ाते हैं वो क्वालिटी एजुकेशन होती है, क्वांटिटी एजुकेशन नहीं होती। हम क्वालिटी पे ज्यादा फोकस करते हैं, चाहे हमारे बैच में 15 बच्चे हों 10 बच्चे हों, हम उन्हीं को इंडिविजुअल अटेंशन देते हैं और कोशिश करते हैं वहीं क्वालिफाई करें और आगे जाएं। और 23 का बैच नहीं होगा, जो CSS 24 है उसका बैच हम लाजम लॉन्च करेंगे नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह ताला। PMS का पूछ रहे हैं शायद ना? और नहीं नहीं CSS का पूछा। और PMS का जो ऑनगोइंग बैच है वो आपके सामने इस वक्त जो आप डेमो ले चुके हैं, और इसके अलावा बाकी हमारे वन पेपर के बैच ऑनगोइंग चल रहे हैं वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह आपके अभी 5 डेज हैं डेमो क्लासेस के, आप सारी लें और देखें कि आपने किस तरीके से आगे चीजों को लेके चलना है। वो सारी चीजें आपको पता होंगी, टीचर से भी आप फेमिलियर होंगे, हर टीचर से जो जो पढ़ाएंगे आपको, और कोई भी फिर आपकी कोई भी किसी भी हवाले से हुई इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी हम आपका अच्छे तरीके से पूरे ऑन टाइम आपको रिस्पॉन्ड कर सकें और हर चीज को सॉल्व कर सकें। ठीक है सर काशिफ, आई थिंक सो हमें अब करना चाहिए, इसको क्लोज करते हैं। मैं वाइंड अप कर रहा हूं, सिर्फ मैं एक क्वेश्चन का आंसर दे दूं। 2022 का रिजल्ट इंशाल्लाह ताला दिसंबर तक या नवंबर के एंड में आ रहा है। फी स्ट्रक्चर बच्चे आपको फीस स्ट्रक्चर आपको बता दिया जाएगा इंशा बच्चे, आप मुझे मैसेज कर दें तो मैं आपको बता देता हूँ और ग्रुप में भी बता दें। आप पहले 5 डेज फ्री क्लासेस ले लें, आपको पता चल जाएगा कि आपको एकेडमी ज्वाइन करनी है या नहीं करनी। उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम फीस स्ट्रक्चर सब कुछ बताएंगे आपको। पहले आप पढ़ने वाले बने, आपको पता चल जाएगा कि अकेडमी है वाकई में जेन्युइन है, आप इस चीज को आगे परसू करना चाहते हैं या नहीं। ठीक है मैं बता देता हूँ अलग बच्चे। ओके नो इशू, थैंक यू सो मच एवरीवन, मैं यहाँ पर एंड कर रहा हूँ।